हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने ये वाटर बोतल मंगवाई है ऑनलाइन, और अभी हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कि एज इट इज़ है या कुछ चेंज है इसमें। तो अगर आपको ये बोतल परचेज़ करनी है तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनमें पानी पीने से या उनमें अगर आप खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी बोतल मंगवाई है। और अभी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारी कॉपर की बॉटल्स देखी थी, इनफैक्ट जो है हम लोगों ने मॉल्स में भी देखी थी। तो वो जो कॉपर का प्योर कलर होता है उस कलर में बॉटल अवेलेबल थी, बट ऑनलाइन प्रिंटेड बॉटल्स भी अवेलेबल थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने प्रिंटेड वाली ऑर्डर की है। और अभी हम लोग इसको देखते हैं कि प्रिंटेड वाली जो वाटर बोतल है वो कैसी दिख रही है, क्योंकि इमेज में बहुत अच्छी लग रही थी, तो देखते हैं रियल में कैसी दिखती है। और ये अब खुल गया है, तो इसकी पैकेट हो रही है ओपन और अब हम लोग देखते हैं। तो ये है वो, और इस ये जो है काफ़ी छूने में बहुत स्मूथ है और इसका जो प्रिंट है बहुत प्यारा लग रहा है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली बॉटल कैसी लग रही है। और इसके और भी सारे सेट्स थे अवेलेबल, तो अब मैं इसका कैप ओपन करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही स्मूथली ओपन हो रहा है और ये इसका कैप है, और ये मुझे थोड़ा सा डर्टी लग रहा है, तो पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन अंदर तो काफ़ी क्लीन दिख रही है ये बॉटल। और ये प्योर तांबे का ऐसा इन्होंने क्लेम किया है जो प्रोडक्ट ऑनर है। और हाँ, इसका जो कैप है इसमें इस तरह से रबर लगा हुआ है ताकि ये एयर टाइट रहे, तो इस तरह की रबर जो है सारी बोटल्स में मैंने देखा था जितनी भी थी। और इसके बाद अगर इसकी वेट की बात करें तो जितनी आपकी नॉर्मल मिल्टन की बोटल आती है उतनी इसका वेट है, और पानी की क्वांटिटी आई थिंक अच्छी खासी इसमें आ जाएगी। आई थिंक ये 1 लीटर की बोटल है। और ये इसका ओवरऑल लुक है। तो कॉपर के जो बर्तन होते हैं आजकल केवल पूजा में ही यूज़ किए जा रहे हैं, और हम लोग के पेरेंट्स के टाइम में इन बर्तनों का या पीतल के बर्तन का यूज़ खाने में यूज़ किया जाता था, खाने पीने की चीज़ों में। बट अब नॉर्मली घरों में जो स्टील या एल्युमिनियम के ही बर्तन यूज़ किए जाते हैं, और स्टील तो फिर भी ओके है, बट जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसका क्या एडवांटेज है। तो अगर आप कॉपर के बर्तन में पानी रखते हैं और इस पानी को आप जब पीना है तो 8-10 घंटे पहले ही उसमें रख दीजिए, और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके कई सारे विकारों का नाश होता है। और यदि कोई व्यक्ति लगातार ऐसे बर्तनों में पानी का उपयोग करता है तो उसको पीलिया और डायरिया होने का खतरा बहुत ही कम होता है नॉर्मल लोगों की तुलना में। और जिनको थायराइड है तो थायराइड की प्रॉब्लम भी इससे कंट्रोल होती है। इसको क्लीन करने के लिए आप घर में जो नींबू होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, उससे आसानी से क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।